नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में कर्ण मातंगी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप मंत्र उपासक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, टेरो रीडर, रेकी, प्राणिक हीलर या किसी भी पद्धति से आध्यात्मिक उपचार करते हैं या अल्टरनेटिव हीलिंग करते हैं तो कर्ण मातंगी साधना आपके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस साधना से आपकी हीलिंग करने की क्षमता, उपचार करने की क्षमता, साधना सिद्धि की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी होती है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। इसके लिए जो मार्केटिंग के क्षेत्र में है, जो व्यवसायी हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसके द्वारा अंदाज आना शुरू हो जाता है कि सामने वाले के मन में नेगेटिव या पॉजिटिव विचार के बारे में अंदाज आ जाता है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो इस शिविर में आकर आप भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस शिविर में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा विशेष तरीके की सिंदूर के बारे में करेंगे। सिंदूर के ऊपर विशेष तरीके से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करके कुछ विधि करते हैं तो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, तो उसी की चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, लाल सिंदूर लेना है। लाल सिंदूर लेकर आप अपने सामने एक स्टील की प्लेट में उसको रख दें, और रखने के बाद आपको करना क्या है कि सेम तरीके से ये देख रहे हैं, ये लक्ष्मी मुद्रा लगानी है, आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करना है, और प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर आपको 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। श्रीम 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 श्रीम, ये 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है, और 20 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद वो अभ्यास आपका समाप्त हो जाता है। फिर उस सिंदूर में घी थोड़ा सा डालकर उसको पेस्ट बनाते हैं, और अपने घर के दरवाजे में आपको श्रीम लिखना है। बस श्रीम लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, संस्कृत में लिखो, श्रीम, बस श्रीम लिखो। ये आप अगर हर शुक्रवार को आप करते हैं, ऐसा हर शुक्रवार को, आपके घर में लक्ष्मी कभी भी जाने वाली नहीं है, लक्ष्मी आबद्ध रहेगी। आबद्ध का मतलब है रुकना, लक्ष्मी चंचल मानी जाती है, लेकिन 0.001% भी लक्ष्मी अगर रुक जाती है तो भी आप अपने जीवन में भाग्यशाली माने जाते हैं। इसके अलावा ये उन लोगों को करना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, कोई आर्थिक सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, और कहते ना कि काम में अड़चन आ रहा है, नौकरी में अड़चन आ रहा है, व्यवसाय में अड़चन आ रहा है, दुकान धंधे में अड़चन आ रहा है, घर घर में पूरा आर्थिक माहौल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आर्थिक समस्या की वजह से ही छोटी छोटी बातों पे विवाद शुरू होता है। तो ऐसी हालत में ये साधना आपके लिए बहुत उपयुक्त है और इसका फायदा उठाना चाहिए। कौन कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, पति पत्नी करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलता है। और इसमें जो नियम है, धूमपान मद्यपान ये आप ना करें, मांसाहार का सेवन न करें, और ब्रह्मचर्य रहें। किसी भी शुक्रवार से ये किया जाता है, और ये जो है कम से कम 11 शुक्रवार अगर करते हैं तो आपको 100% इसमें लाभ मिलता है। फिर भी पहले दिन के शुक्रवार से ही आपको अभ्यास में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये इसकी खास बात है। तो इसका फायदा उठाएं, फायदा मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ की मदद करें। धन्यवाद।